हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 8th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का 8th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा अ क्यूब ऑफ 50 mm एज इज प्लेस ऑन द सिलेंड्रिकल स्लैब ऑफ 100 mm डायमीटर एंड 40 mm थिक, एज ऑफ बेस ऑफ क्यूब इज परपेंडिकुलर टू VP, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द असेंबली ऑफ सॉलिड हैविंग देयर कॉमन एक्सिस वर्टिकल, ऑल्सो कंस्ट्रक्ट द आइसोमेट्रिक स्केल। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन ड्रॉ करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ के सॉलिड का पोजीशन समझ लेंगे, देन आफ्टर सॉल्यूशन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में यहां पे दो सॉलिड की बात हो रही है, सबसे पहले क्यूब लिखा है और सेकंड सॉलिड लिखा है सिलेंड्रिकल स्लैब। क्यूब क्या होता है, क्यूब एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें 6 स्क्वायर होते हैं और क्यूब कुछ ऐसा दिखता है। देखिए क्यूब को अगर हम आपको रफली बताएं तो ये देखिए ये है क्यूब जिसमें 6 स्क्वायर होते हैं। आप इसको कहीं से भी देखो आपको स्क्वायर दिखाई देगा, ठीक है। इसमें 6 सर्फेसेस होते हैं, तो ये है क्यूब और ये क्यूब की बात हो रही है और क्वेश्चन में लिखा है क्यूब ऑफ 50 mm एज। इसका मतलब ये जो क्यूब है इसका साइड ऑफ यहां पे साइड कितना है 50 mm का है और ये जो क्यूब है ये सिलेंड्रिकल स्लैब के ऊपर रखा है। सिलेंड्रिकल स्लैब इट मींस इनडायरेक्टली सिलेंडर। सिलेंडर का यहां पे बेस डायमीटर कितना दिया है 100 mm का दिया है और उसका हाइट कितना दिया है इट मींस उसका थिकनेस 40 mm दिया है। सिलेंड्रिकल स्लैब जो है ये कुछ ऐसा रहेगा, ये देखिए सिलेंड्रिकल स्लैब इट मींस सिलेंडर, उसका बेस डायमीटर 100 mm, ये देखिए ये है वो सिलेंडर। इसका बेस डायमीटर हमें कितना लेना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 mm का लेना है और इसका हाइट इट मींस उसका थिकनेस कितना लेना है तो 40 mm का लेना है। तो ये सिलेंडर के ऊपर ये क्यूब को यहां पे रखा गया है सेंट्रली और हमें उसका फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। लेकिन क्यूब की पोजिशन की अगर बात करें तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है एज ऑफ बेस ऑफ क्यूब इज परपेंडिकुलर टू VP। देखो एज ऑफ बेस ऑफ क्यूब इज परपेंडिकुलर टू VP, ये काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखिए एज ऑफ बेस परपेंडिकुलर टू VP हो या पैरेलल टू VP हो, दोनों कंडीशन में एक ही टाइप का स्क्वायर बनेगा। ये देखिए हमें यहां पे जो क्यूब ड्रॉ करना है उसका जो हमें स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा बेस का, वो इस टाइप से ड्रॉ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर टू VP है तो भी हमें यही स्क्वायर ड्रॉ करना है, पैरेलल टू VP है, एज ऑफ बेस पैरेलल टू VP है तो भी हमें यही स्क्वायर ड्रॉ करना है, क्योंकि इसमें इधर के दो एजेस जो है वो परपेंडिकुलर टू VP होते हैं और ये जो दो एजेस है वो पैरेलल टू VP है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में अगर लिखा होता कि एज ऑफ बेस आर इक्वली इंक्लाइन टू VP, अगर ऐसा लिखा होता ऐसे में आप ये स्क्वायर ड्रॉ कर नहीं सकते। अगर क्वेश्चन में लिखा होता इक्वली इंक्लाइन टू VP तो ऐसे में आपको इस टाइप का स्क्वायर ड्रॉ करना होता है जिसमें स्क्वायर के ऑल एजेस जो है वो इक्वली इंक्लाइन होते हैं, इट मींस 45 डिग्री से इंक्लाइन होती है सभी एजेस जो है, ये देखिए 45 डिग्री से इंक्लाइन होती है। अगर क्वेश्चन में इक्वली इंक्लाइन टू VP लिखा है तो आपको ये स्क्वायर ड्रॉ करना है और परपेंडिकुलर टू VP या पैरेलल टू VP लिखा है तो ये स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, दैट इज परपेंडिकुलर टू VP, इट मींस हम ये स्क्वायर ड्रॉ करेंगे एज अ बेस, ठीक है। जो क्यूब का बेस ड्रॉ करना है हमें ये ड्रॉ करना है, हमें ये ड्रॉ नहीं करना है। तो चलो फाइनली अब हम इसका सॉल्यूशन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। लेकिन सॉल्यूशन ड्रॉ करने के पहले हमें क्वेश्चन पढ़ के ये चेक कर लेना पड़ेगा कि आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने को बोल रहा है या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसका मतलब यह है कि हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में डिफरेंस है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर ऑलरेडी हमने इसके पहले एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। आइसोमेट्रिक व्यू और प्रोजेक्शन के बीच में का डिफरेंस आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में ये जो भी लेंथ दिया है 40 mm, 100 mm, 50 mm, ये जो लेंथ दिया है ये है एक्चुअल लेंथ। आप ये लेंथ का यूज करके आइसोमेट्रिक ड्रॉ कर नहीं सकते। अगर आप ये लेंथ का यूज करके आइसोमेट्रिक ड्रॉ करेंगे तो वो कहलाएगा आइसोमेट्रिक व्यू। लेकिन क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने को कहा है क्या, नहीं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने को कहा है। ऐसे में हमें सबसे पहले आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये जो एक्चुअल लेंथ दिया है ये 50 mm, 100 mm, 40 mm, ये जो दिया है ये एक्चुअल लेंथ दिया है, या इसको ट्रू लेंथ बोलो। ये लेंथ का यूज करके हमें आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन आफ्टर उसका यूज करके हमें पूरा आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है, तब बनेगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो चलो आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करेंगे कैसे। तो आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करने
करने के लिए हम सबसे पहले आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे। देखो क्वेश्चन में लास्ट में लिखा भी है कि ड्रॉ द आइसोमेट्रिक स्केल, पहले आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा, आइसोमेट्रिक स्केल से हमें आइसोमेट्रिक लेंथ मिलेगा और फिर उसका यूज करके हम सॉल्यूशन बनाएंगे। और सॉल्यूशन बनाते समय आपको सिलेंडर सबसे पहले नीचे ड्रॉ करना है और सिलेंडर के ऊपर आपको ये क्यूब रखना है। तो जब आप सिलेंडर के ऊपर ऐसा क्यूब जब ऐसा रखेंगे तो सिलेंडर के ऊपर क्यूब रखते समय सॉल्यूशन कुछ ऐसा ऐसा बन सकता है। देखो ये थोड़ा सा कुछ रफली हम बता रहे, ये देखिए ऐसा कुछ बन सकता है, ये सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर क्यूब, ऐसा कुछ आ सकता है। तो चलो फाइनली अब हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आइसोमेट्रिक स्केल, तो फाइनली हमने आइसोमेट्रिक स्केल यहां पे ड्रॉ कर लिया है। आइसोमेट्रिक स्केल कैसे ड्रॉ करना उसके ऊपर ऑलरेडी हमने इसके पहले एक स्पेशल वीडियो अपलोड किए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना आपको आ जाएगा। और अब हम सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। आइसोमेट्रिक स्केल के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है, इट मीन 2D व्यू ड्रॉ करना है, जिसमें हमें क्यूब और सिलेंडर का बेस ड्रॉ करना है। क्यूब किस स्टाइल से बनेगा, क्यूब का जो स्क्वायर है वो हमने आपको पहले ही बता दिए हैं कि क्यूब का स्क्वायर आपको ऐसे ड्रॉ करना है। तो चलो ये ऐसा स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, सेंटर लेके फिर ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि सिलेंडर का बेस हो जाएगा। और ये हम जो भी ड्रॉ करेंगे वो आइसोमेट्रिक लेंथ का यूज करके ड्रॉ करेंगे। क्यूब जो है वो 50 mm साइड का है और जो सिलेंडर है, जो सर्कल है, ये आपको 100 mm डायमीटर का ड्रॉ करना है। इसका मतलब ये है हमें 50 और 100 mm डायमीटर का आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। 50 का आइसोमेट्रिक लेंथ आपको ये जो इंक्लाइंड लाइन है इस पे मिल जाएगा, जो कि है 50-, देखो यहां से लेके हम यहां पे जीरो दे देंगे, यहां से लेके यहां तक 50-, ये लेंथ का यूज करके आप स्क्वायर बनाएंगे। और सर्कल ड्रॉ करने के लिए सर्कल का डायमीटर 100 है, इसका मतलब उसका रेडियस हो जाएगा 50, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50-radius, इट मीन 0 से लेके 50-, ये रेडियस लेके आपको सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो फिलहाल वो हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए हमने स्क्वायर बेस बना लिए हैं और अब हम यहां पे इसके डायगोनल ज्वाइन कर देंगे। डायगोनल ज्वाइन करने से क्या होगा, हमें स्क्वायर बेस का सेंटर मिल जाएगा। हमें सेंटर क्यों चाहिए, क्योंकि हमें सिलेंडर का सर्कुलर बेस ड्रॉ करना है, तो सर्कुलर बेस ड्रॉ करने के लिए हमें सेंटर चाहिए। तो अब हमें सेंटर यहां पे मिल चुका है, ये सेंटर पे आप कंपास का सेंटर रखो और यहां पे सर्कल ड्रॉ करो जिसका रेडियस रहेगा 50-। तो ये देखिए सिलेंड्रिकल स्लैब और क्यूब दोनों का बेस हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल है ये सर्कल को एक बॉक्स में फिट करेंगे और वो बॉक्स को नेमिंग दे देंगे एज ABCD। तो ये देखिए हमने सर्कल को एक स्क्वायर बॉक्स में फिट कर लिया है और जैसा हमने कहा था हम इसमें नेमिंग दे देंगे ABCD। तो ये हमने नेमिंग दे दिए। अब ये जो स्क्वायर है इसके जो एंड्स है इसको हम यहां पर एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से यहां पे फिट कर लिया है। यहां पे हमने जो भी ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, हमने सर्कल ब्लैक कलर से बनाया है और स्क्वायर ब्लैक कलर से बनाया है, तो ये आपको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, इट मीन्स H नंबर के पेंसिल से ड्रॉ करना है। और जो भी हम यहां पर रेड कलर से ड्रॉ कर रहे हैं वो आपको ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करते समय फेंड पेंसिल से ड्रॉ करना है, इट मीन्स 4H नंबर का पेंसिल आपको यूज करना है। फेंड कंस्ट्रक्शन के लिए 4H नंबर का पेंसिल यूज करो और डार्क कंस्ट्रक्शन के लिए H नंबर का पेंसिल यूज करो। तो ये देखिए हमने यहां पर ऑर्थोग्राफिक व्यू मीन्स 2D व्यू यहां पे कंप्लीट कर लिया है। ये जो बाहर का बॉक्स है, बाहर का जो स्क्वायर है उसको हमने नेमिंग दे दिया है ABCD, और ये जो अंदर का स्क्वायर है इसको हम नेमिंग दे देंगे दैट इज PQRS, PQR और S। तो ये देखिए फाइनली हमने ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ कर लिया है, इट मीन्स 2D व्यू ड्रॉ कर लिया है। और अब इसको देख के हमें 3D व्यू ड्रॉ करना है, इट मीन्स आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है। और आइसोमेट्रिक ड्रॉ करने के लिए हमें आइसोमेट्रिक एक्सिस सबसे पहले ड्रॉ करना होता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 3 आइसोमेट्रिक एक्सिस बनाए हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस 30-30 डिग्री से इंक्लाइन है और वाई एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर दैट इज 90 डिग्री टू द ग्राउंड है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये जो बॉक्स है, बाहर का जो बॉक्स है ABCD, इसको हम यहां पे सबसे पहले ले लेंगे एक्सजेड प्लेन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे और कंपास का यूज करके ड्रॉ करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो बॉक्स है ABCD, इसका जो लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर है, क्या कहा हमने, लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर A, ये आपको सबसे पहले ग्राउंड में रखना है। तो A हमने यहां ग्राउंड में रखे और A से B का लेंथ हम कंपास में लेंगे। देखो ये A से B का लेंथ और A से D का लेंथ ये बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ये ABCD एक स्क्वायर है। तो ये हमने AB का लेंथ यहां पे कंपास में ले लिए और ये इतना लेंथ कंपास का सेंटर हमें A पे रखना है और इधर X एक्सिस पे कट करना है और इधर Z एक्सिस पे भी हमें कट करना है।
ठीक है। और अब इतना ही लेंथ हमें कंटिन्यू करना है और ये कंपास का सेंटर अब हमें यहां पे रखना है जहां पे हमने जेड एक्सिस पे कट किए थे, यहां पे रख के हम बीच में एक आर्क बना देंगे। और अब इतना ही लेंथ कंपास का सेंटर आप इधर जहां पे कट किए हैं एक्स एक्सिस पे वहां पे रख के आप ये आर्क पे कट करेंगे तो यहां पे हमें चौथा पॉइंट मिल जाएगा। और अब ये सभी पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें स्क्वायर एबीसीडी यहां पे मिल जाएगा। तो ये हमने आइसोमेट्रिक स्क्वायर यहां पे ड्रॉ कर लिया है और इसको हम नेमिंग दे देंगे, दैट इज एबीसीडी, ए बी सी और ये डी। तो फाइनली हमने एबीसीडी का आइसोमेट्रिक स्क्वायर यहां पे ड्रॉ कर लिया है और अब हमें यहां पे हाइट लेना है। हाइट कितना, तो सिलेंड्रिकल स्लैब का क्वेश्चन में हाइट दिया था 40 mm, तो अब हम क्या करेंगे 40 का आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 40 डैश। और ये हमें आइसोमेट्रिक स्केल से मिल जाएगा 40 डैश। देखिए यहां से लेके 0 से लेके ये 40 डैश इतना लेंथ हम यहां पे कंपास में ले लेंगे और यहां पे हमें क्या करना है हाइट पे उतना लेंथ हमें मार्क करना है। सबसे पहले एक काम करेंगे, ये जो एबीसीडी है एबीसीडी के चारों कॉर्नर से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले लेंगे। तो ये देखिए एबीसीडी चारों कॉर्नर से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया है वाई एक्सिस को एक्जैक्टली पैरेलल। और अब हमें यहां पे हाइट शो करना है, सिलेंड्रिकल स्लैब का थिकनेस कितना है 40 एमएम है, तो हम 40 डैश यहां से लेके यहां तक 40 डैश का लेंथ कंपास में लेंगे और ये कंपास में लेंथ लेके आपको क्या करना है चारों कॉर्नर पर रख के यहां पर हाइट शो करना है। और हाइट शो करने के बाद जैसा हमें नीचे एबीसीडी मिला बिल्कुल वैसा ही ऊपर एबीसीडी मिल जाएगा, फिर ऊपर के एबीसीडी को भी हम ज्वाइन करेंगे तो ऊपर भी हमें एबीसीडी स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये देखिए हमने ऊपर भी एबीसीडी बॉक्स कंप्लीट कर लिया है और अब हमें ऊपर के एबीसीडी और नीचे के एबीसीडी दोनों के अंदर हमें आइसोमेट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है। अब सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले चारों जो साइड से एबीसीडी सभी का हम यहां पर सेंटर ले लेंगे। सेंटर कैसे लेंगे, तो देखिए ये जो स्क्वायर था एबीसीडी यहां पर अगर हमें सेंटर चाहिए तो ये देखिए ये जो सेंटर है यहां से एक सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए ये हमने सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए तो ये हम यहां से लेंगे, ये देखो ए से लेके ये सेंटर तक का लेंथ हम यहां पे ऑर्थोग्राफिक से ले लेंगे। और अब ये लेंथ हमने ले लिए और यहां पे ये जो साइड है ये सभी साइड में हम कट करेंगे, ऊपर के एबीसीडी में भी कट करना है और नीचे के एबीसीडी में भी कट करना है। तो ये देखिए हमने चारों साइड के मिड पॉइंट यहां पर ले लिए हैं और अब हम यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले डायगोनल ज्वाइन कर लेंगे, सबसे ऊपर का जो बॉक्स है एबीसीडी वहां पे हम डायगोनल ज्वाइन कर लेंगे, जो लॉन्गर डायगोनल है वो हम ज्वाइन करेंगे, स्मॉलर डायगोनल ज्वाइन नहीं किए तो भी चलेगा, लॉन्गर डायगोनल की बहुत जरूरत है। देखो हमने ऊपर में लॉन्गर डायगोनल यहां पे ज्वाइन कर लिए लॉन्गर डायगोनल। और अब ये जो ए और सी है उसमें ए कॉर्नर से ये अपोजिट मिड पॉइंट को हम यहां ज्वाइन कर लेंगे लाइंस। और ये जो भी कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं ये पूरा फेंट है, फेंट वर्क के लिए आपको 4H नंबर का पेंसिल यूज करना है और डार्क वर्क के लिए एच नंबर का पेंसिल। तो ये देखिए ए कॉर्नर से हमने अपोजिट मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लिए, उसी तरह से सी कॉर्नर से भी हम अपोजिट मिड पॉइंट को यहां पे ज्वाइन कर लेंगे लाइन, और तीनों एक ही जगह क्रॉस होना चाहिए तो समझ लो आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग है। तो ये देखिए ये हमने इस तरह से अपोजिट मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद यहां पे लॉन्गर डायगोनल के साथ यहां पे क्रॉस हो गया, देखो यहां पे क्रॉस हो गया, एक ही जगह क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब जो हमने कंस्ट्रक्शन किए हैं वो बिल्कुल सही है। और अब हम ऊपर में सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, तो चलो ऊपर का सर्कल हम पहले ड्रॉ करेंगे और जो सर्कल हम बनाएंगे वो बिल्कुल फेंट बनाएंगे। और सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे ए पॉइंट से लेके ये मिड पॉइंट तक का लेंथ लेना है और यहां से इधर आपको आर्क ऐसे ड्रॉ करना है, कंपास का सेंटर आपको ए पे रखना है। तो चलो हम यहां पर ड्रॉ करेंगे, तो कंपास का सेंटर हमने ए पे रखे, ए से लेके इतना लेंथ ले लिए देखो और इसको हम इधर टर्न कराएंगे बिल्कुल वैसा ही। अब हम कंपास का सेंटर सी पे रखेंगे, सी से लेके इतना लेंथ लेंगे और हम इधर इसको टर्न कराएंगे, कंपास का सेंटर आपको सी पे रखना है। तो ये देखिए ये इस तरह से हमने टर्न करा दिए, ठीक है। और अब तीनों जहां पे क्रॉस हुए थे उसकी बारी, ये देखो यहां पे लॉन्गर डायगोनल के ऊपर यहां पे क्रॉसिंग हुआ था और यहां पे क्रॉसिंग हुआ था, तो यहां से लेके इतना लेंथ ले लो और इसको ऐसे घुमाओ और यहां पे रख के कंपास का सेंटर यहां पे रख के यहां से इतना लेंथ ले लो और इसको इधर घुमाओ। तो ये देखिए हमने ऊपर सर्कल ड्रॉ कर लिया है और अब जैसा हमने ऊपर सर्कल ड्रॉ किए हैं बिल्कुल वैसा ही हमें नीचे भी सर्कल ड्रॉ करना है, नीचे के एबीसीडी के अंदर भी हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो चलो नीचे के एबीसीडी में वही कंस्ट्रक्शन करेंगे जो हमने ऊपर के एबीसीडी में किया है। सबसे पहले हम यहां पर लॉन्गर डायगोनल ज्वाइन कर लेंगे, देन यहां पर कॉर्नर से अपोजिट मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे और बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही कंस्ट्रक्शन करना है जैसा हमने ऊपर किए थे, बिल्कुल वही कंस्ट्रक्शन हमें नीचे के एबीसीडी में रिपीट करना है।
तो ये देखिए हमने ऊपर के एबीसीडी में भी सर्कल ड्रॉ कर लिए और नीचे के एबीसीडी में भी सर्कल ड्रॉ कर लिए। इट मींस जो सिलेंड्रिकल स्लैब है उसका हमने बेस ड्रॉ कर लिए, ऊपर भी बेस ड्रॉ कर लिए और नीचे का भी बेस हमने ड्रॉ कर लिए। और अब हम यहां पे क्या करेंगे, जो क्यूब है क्यूब का बेस हमें ड्रॉ करना है। तो ऊपर का जो एबीसीडी है उसके बीचों बीच, इट मींस उसके सेंट्रली आना चाहिए, जो क्यूब का जो बेस है उसके बीच में आना चाहिए। क्यूब का बेस इट मींस ये जो स्क्वायर है पीक्यूआरएस, ये हमें पीक्यूआरएस जो स्क्वायर है वो हमें यहां पे ड्रॉ करना है सेंट्रली। तो वो कैसे आएगा, तो उसके लिए ये देखिए ये जो PQRS स्क्वायर है इसके एजेस के हमने लाइंस ऐसे एक्सटेंड किए थे। तो यहां पे ये देखिए ये जो लाइन है यहां पे वन रखो, इधर भी वन रखो, ये टू है और यहां पे भी टू है, और ये एडी के ऊपर यहां पे थ्री दे देंगे और यहां पे थ्री, और ये यहां पे फोर दे देंगे और यहां पे फोर। देखिए अब यहां पे आपको क्लियर कट दिख रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी वन वन और ऐसी टू टू, ऐसी दो लाइंस यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा। उसी तरह से ये थ्री थ्री और ये फोर फोर, ऐसी दो लाइंस यहां पे बीच में ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये चारों लाइंस जहां पे क्रॉस हो जाएंगी फिर हमें बीचों बीच PQRS स्क्वायर मिल जाएगा। तो चलो उसके लिए हम यहां पे कंपास का यूज करेंगे। तो कंपास में हम लेंथ लेंगे और ये जो लेंथ है ये बिल्कुल सेम लेंथ है, आप कोई भी साइड से लेंथ मेजर करो सभी का लेंथ जो है वो सेम होगा। ए से वन का लेंथ, ए से थ्री का लेंथ सेम है, बी से टू और बी से थ्री का लेंथ सेम है, और सभी का लेंथ बिल्कुल इक्वल है क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। देखो ए वन का जो लेंथ है वही लेंथ बी टू का होगा, वही लेंथ बी थ्री का होगा, वही सी फोर का, वही सी टू का, वही डी वन का, वही डी फोर का, वही ए थ्री का, तो सभी का लेंथ बिल्कुल सेम है। तो हम यहां पर एक लेंथ बस यहां पे ले लेंगे, तो हमने ये ले लिए। कंपास का सेंटर यहां पे ए पे रखेंगे, ए पे रख के दोनों साइड में कट करेंगे, बी पे रख के दोनों साइड में कट करो, सी पे और डी पे, तो हम चारों कॉर्नर पे रख के यहां पे दोनों साइड में कट करेंगे। तो यहां पे हमें सभी पॉइंट्स मार्क कर लिया है, ये देखिए वन, ये वन, ये टू और ये टू, देन ये इधर थ्री और इधर भी थ्री, ये इधर फोर और ये इधर फोर, ठीक है। ये इस तरह के वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर हमने यहां पे मार्क कर लिया है, और अब सभी को ज्वाइन करना है तो हमें बीच में PQRS एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो देखो हम यहां पे सभी को ज्वाइन कर रहे हैं, हमने टू टू को ज्वाइन कर लिए और अब हम ये वन वन को ज्वाइन कर देंगे, ये देखिए ठीक है, देन ये थ्री थ्री को ज्वाइन कर लो, और ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो फेंट है, फेंट कंस्ट्रक्शन के लिए 4H नंबर का पेंसिल आपको यूज करना है। तो ये देखिए थ्री थ्री को हमने ज्वाइन कर दिए, और अब ये फोर फोर को ज्वाइन कर दो, तो ये हमने 4-4 को भी ज्वाइन कर दिए। तो देखो बीचों बीच अब हमें PQRS यहां पे मिल गया। कहां है PQRS, ये देखिए ऐसा PQRS हमें यहां पे मिलना है। तो देखिए यहां पे ये चारों लाइन जहां पे क्रॉस हुए, ये P, ये Q, ये R और ये S, देखो हमें चार पॉइंट्स मिले हैं, और हम यहां पे नेमिंग भी दे देंगे, ये P, देन ये Q, देन ये R और लास्ट में ये S, तो इस तरह से। और अब हम फिलहाल हमें डार्क नहीं करना है, फिलहाल ये हमने फेंट रखा है, और अब हम क्या करेंगे, ये क्यूब का हाइट शो करेंगे। ये हमने क्यूब का बेस शो किया है, जो बेस स्क्वायर है वो हमने शो किया है, हाइट हमें शो करना है। तो हाइट कितना रहेगा, तो क्यूब 50 है, 50 mm उसका साइड दिया है, तो 50 डैश हमें आइसोमेट्रिक लेंथ लेके हाइट शो करना पड़ेगा, और ये हमें ऑलरेडी पता है। ये देखिए ये जो हमने ऑर्थोग्राफिक ड्रॉ किए थे, ऑर्थोग्राफिक में ये जो हमने स्क्वायर का जो भी हमने साइड लिया है 50 डैश, यही साइड आपको कंपास में लेना है, इट मींस हाइट भी उसका वही रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने जीरो से लेके ये 50 डैश ये लेंथ हमने लेके ड्रॉ किया था, तो ये हमने 50 डैश का ये जो लेंथ है ये हमने कंपास में ले लिए, और अब हम क्या करेंगे, इसका हाइट शो करेंगे। लेकिन हाइट शो करने के पहले एक काम करेंगे, चारों जो कॉर्नर है PQRS वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखिए चारों कॉर्नर से हमने यहां पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिया है, और अब हमने ये जो लेंथ लिए थे 50 डैश का स्क्वायर का जो साइड है वो हमने जो लिए थे वो चारों कॉर्नर पे रख के आप ऊपर आप ये वर्टिकल लाइंस के ऊपर ऐसे कट कर देंगे, पी के ऊपर रख के, क्यू के ऊपर रख के, देन ये आर के ऊपर रख के, और लास्ट में ये एस के ऊपर रख के। और अब हमें ऊपर भी PQRS मिल चुका है, जैसा नीचे PQRS है बिल्कुल वैसा ही हमारे पास ऊपर भी PQRS आ गया। देखो पी के ऊपर ये 50 डैश की हाइट पे यहां पे भी पी आ गया, ये Q के ऊपर ये 50 डैश की हाइट पे Q आ गया, R के ऊपर ये R आ गया, और ये S के ऊपर यहां पे S आ गया। और अब ये PQRS को ऊपर में ज्वाइन कर दो, और अब हम एक काम करेंगे, ज्वाइन करते समय डार्कली ज्वाइन करेंगे, फेंट अब ज्वाइन नहीं करना है, हमें क्या करना है, डार्क ज्वाइन करना है, और डार्क कंस्ट्रक्शन के लिए H नंबर का पेंसिल यूज करना है। तो देखो हम यहां पर डार्क कंस्ट्रक्शन करेंगे, और यहां पर ऊपर का जो PQRS है वो हम डार्क बना देंगे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के प्रॉब्लम्स जब कभी भी आप ड्रॉ करते हैं
तो जब आपको डार्क कंस्ट्रक्शन करना होता है तो हमेशा डार्क कंस्ट्रक्शन ऊपर से नीचे करना है, नीचे से ऊपर आपको कभी नहीं जाना है, हमेशा ऊपर से नीचे आना है। तो ये देखिए हमने ऊपर का स्क्वायर यहां पे कंप्लीट कर लिए और अब हम क्या करेंगे, ये क्यूब की जो एजेस है वर्टिकल एजेस वो हम यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। नीचे का बेस अभी हमें ड्रॉ नहीं करना है, नीचे का बेस बाद में बनेगा, सबसे पहले वर्टिकल एजेस बनेंगी। तो ये देखिए जो तीन वर्टिकल एजेस जो दिखाई देंगी हमें बस वो पहले ड्रॉ करना है, ठीक है। पीछे का जो वर्टिकल एज है वो हमें दिखाई नहीं देगा और अब हम नीचे का बेस जो है वो यहां पे कंप्लीट कर लेंगे और जो एजेस दिखाई देंगी बस वो हमें डार्कली ज्वाइन करना है, जो एजेस दिखाई नहीं देंगी वो आपको बिल्कुल फेंट रखना है। तो ये देखिए फाइनली हमने यहां पे क्यूब का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन यहां पे ड्रॉ कर लिया है। देखिए क्वेश्चन में जैसा लिखा था कि क्यूब है तो ये देखिए हमने क्यूब यहां पे बना लिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है, सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है, नीचे का जो सिलेंड्रिकल स्लैब है उसके सर्कल वगैरह हमें यहां ड्रॉ करना है। अब हमें ऊपर का सर्कल ड्रॉ करना है डार्क, नीचे का सर्कल ड्रॉ करना है और पहले ऊपर का करेंगे फिर नीचे का, और जो आपको दिखाई देगा बस आपको उतना ही डार्क करना है। ये देखिए ये जो पीछे का जो कर्व है वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहां पे क्यूब है, क्यूब के वजह से पीछे का जो कर्व है वो दिखाई नहीं देगा, जो आगे का इतना कर्व है बस हमें इतना दिखाई देगा, तो हम इसको डार्क कर लेंगे। देन इसकी वर्टिकल यहां पे जो जनरेटर्स है वो हम बनाएंगे, देन हम नीचे का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले ऊपर का सर्कल ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए ऊपर का सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है और अब हम यहां पे इसके जनरेटर ड्रॉ करेंगे, इट मीन जो वर्टिकल एजेस होते हैं वो। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो ऊपर का जो आर्क है और जो नीचे का आर्क है उसके ऊपर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। वाई एक्सिस को एक्जैक्टली पैरेलल चाहिए और ये टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने टेंजेंट इस तरह से बना देंगे और ये साइड में भी हम ड्रॉ कर लेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, वाई एक्सिस को एक्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए। तो ये देखिए ये हम बना देंगे और अब हम क्या करेंगे, नीचे का सर्कल ड्रॉ करेंगे और नीचे का सर्कल जितना दिखाई देगा बस आपको उतना ही आर्क जो है वो डार्क करना है, इट मींस यहां से लेके यहां तक आपको डार्क करना है, पीछे का जो है वो फेंट रखना है। तो फाइनली जो क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्यूशन बनेगा। क्वेश्चन में लिखा था क्यूब इज रेस्टिंग ऑन द सिलेंड्रिकल स्लैब, तो ये देखिए क्यूब इज रेस्टिंग ऑन द सिलेंड्रिकल स्लैब, ये हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ हमने ड्रॉ कर लिए। क्वेश्चन में लिखा था ड्रॉ द आइसोमेट्रिक स्केल, तो हमने आइसोमेट्रिक स्केल भी बना दिए। देन आफ्टर हमने यहां पर ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाया, इट मीन टू डायमेंशनल व्यू बनाया, देन उसका यूज करके हमने ये थ्री डायमेंशनल दैट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपने ड्रॉइंग बुक में याद से ड्रॉ करके देखना चाहिए, ये जो हमने ड्रॉ किया है ये ओरिजिनल डायमेंशन लेके नहीं ड्रॉ किया है हमारा, ये जो है ये रफ वर्क है, कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, एक दो लाइन थोड़ी सी आगे पीछे हुई होंगी, लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो फाइनली आज के वीडियो में इतना ही, ये था आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले जो हमने इसके 7 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।